उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी विधेयक जल्द ही लागू किया जाएगा। हमने इसे 9 नवंबर से पहले राज्य में लागू करने का संकल्प भी लिया है। और मैं अगर राज्य की बात करूं तो यही नहीं, हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनको पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक लागू नहीं किया, परंतु हमने जहां एक और समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करके और जल्दी हम उसको लागू भी करने वाले हैं, यानी कि 9 नवंबर से पहले हमने संकल्प लिया है कि समान नागरिक संहिता का हमारा कानून प्रदेश के अंदर प्रभावी हो जाएगा। वहीं हमने धर्मांतरण को लेकर देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करने का भी एक बड़ा काम किया है, जिससे कि राज्य का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम ये कहीं ना कहीं देवभूमि का स्वरूप बनाकर उनको विरासत में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे अतिक्रमण की बात हो, इसके अतिक्रमण जो हटाने का काम हुआ है, एक बड़ा अभियान था, उसको हम कहीं ना कहीं एक बड़ा भूमि अतिक्रमण का रूप भी दे सकते हैं, कह सकते हैं। नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून को भी इस बार विधानसभा के सत्र में मंजूरी मिल गई है, और ये सब ये साबित करता है कि हम जो कहते हैं प्रदेश के हित में, हम उसको पूरा करते हैं।